अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एज पब्लिक यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हुकूमत सिंध की तरफ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो है सैकड़ों जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आज की इस वीडियो में लेटेस्ट और न्यू जॉब्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो है म्यूनसिपल सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम PND डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध की जानब से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है जॉब्स अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे जो है सब इंजीनियर्स की 3 असामियाँ हैं, जिसमें डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियर जो है यहाँ पे E&M में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट है, जिसके लिए इंटरमीडिएट वाले कर सकते हैं। ऑफिस क्लर्क की 7 असामियाँ हैं, इसमें भी इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की 10 असामियाँ हैं, जिसमें मैट्रिक पास लाइसेंस रखने वाले जो हजरात हैं, ड्राइविंग जानने वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पैच राइडर के लिए मैट्रिक पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस बॉय के जो है 15 असामियाँ हैं, जिसमें मिडिल पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्री वर्कर की 2 हैं और सिक्योरिटी गार्ड की 4 असामियाँ हैं, जिसमें प्राइमरी लोग अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन तमाम पोस्ट के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। आपने एक सादा सी कागज़ पर जो है आपने सादा अप्लीकेशन जो है लिखनी है। दरख्वास्त लिखने के बाद अपने तमाम जो असनाद हैं और फोटो जो है इनको अटेस्ट करवा के दरख्वास्त के हमरा जो है लगा के आपने नीचे दिए गए इस पते पर PMU सिंध MSS DPD 18 ब्लॉक 2 क्लिफ्टन कराची पे जो है आपने सेंड कर देनी है। व्यूअर्स, अगला इश्तहार आप देख सकते हैं। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट को जो है मुख्तलिफ असामियों के लिए यहाँ पे स्टाफ रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेयार जो अहलियत है वो भी बताया गया है। इसके बाद जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या क्या जो है आपको जो है काम करना होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है, और कौन से जो है सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर सारा मैंशन किया गया है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि जो हदायत हैं वो भी यहाँ पर मैंशन की गई हैं। एज लिमिट बताई गई है। इसके अलावा अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 12 फरवरी 2021 है। 12 फरवरी 2021 तक आप अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मिर्ज़, अगला इश्तहार जो है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है मैरीकेंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट का है। इसमें जो है मुख्तलिफ असामियाँ अनाउंस की गई हैं। इसमें भी जो है UEE की जो है पोस्ट हैं, जिन पे जो है यहाँ पे आप सिंध शहरी की भी अप्लाई कर सकते हैं और दही इलाकों के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है LTC की पोस्ट अनाउंस की गई हैं, मैकेनिक की पोस्ट हैं, वॉचमैन की जो है पोस्ट हैं। व्यूअर्स, ये जो मैकेनिक की जो पोस्ट हैं इस पर पंजाब और सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि LTC की जो पोस्ट है उस पर आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नायब कासिद की पोस्ट हैं, जिस पे जो है प्राइमरी पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आप नेक्स्ट जो है देख सकते हैं कि चौकीदार की पोस्ट अनाउंस की गई है, जिसमें जो है मकामी लोग अप्लाई करेंगे और प्राइमरी पास लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर रीजनल ऑफिस जो कि ग्वादर में है उनकी पोस्ट की बात की जाए तो उनके लिए जो है LTC की पोस्ट है, जिसपे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पैच राइटर की पोस्ट है, जिस पे बलूचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो नायब कासिद की पोस्ट है उनके ऊपर जो है मकामी लोग अप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो है नीचे स्वीपर की पोस्ट है, इन पे भी मकामी लोग जो है अप्लाई करेंगे। व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए जो है आप यहाँ पे जो है नीचे जिस तरह से ये फॉर्मेट दिया गया, आपने अपना नाम, पता, एड्रेस और अपनी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, और अपनी तालीमी काबिलियत लिखने के बाद जो है आपने इसको जो है सेंड करना है। फिर से अगर आप मजीद जो है लेटेस्ट और न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जॉब्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।